हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्री और आप देख रहे हैं जस्ट वॉश श्री। तो आज है हेयर केयर सीरीज का डे 5 और आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं एक हेयर सीरम जो हमारे ड्राई फ्रिजी हेयर में मैजिक करने वाला है। तो वो सीरम है हिबिस्कस सीरम। कल था डे 4 और कल मैंने एग हेयर मास्क प्रिपेयर किया था जिसको मैंने अपने बालों में लगा के भी दिखाया था। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली और नई वीडियोज़ के लिए। तो इस सीरम को बनाने के लिए मुझे जो भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने ही बनाना स्टार्ट करूँगी। हिबिस्कस सीरम बनाने के लिए मुझे चाहिए एक हिबिस्कस। अगर आपके पास हिबिस्कस लीव्स हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 4 से 5 वो भी यूज़ कर सकते हैं। 8 से 10 करी पत्ते, 2 से 3 लौंग और लगभग 1 चम्मच राइस। और हमें चाहिए बनाने के लिए वाटर, जो मैंने 1 ग्लास वाटर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, आप जिसका मैं बाद में यूज़ करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। सीरम बनाने के लिए मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया है जिसमें मैंने जो वाटर दिखाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। जब आपको लगे कि पानी अच्छे से गर्म हो गया है उसके बाद आप 8 से 10 करी पत्ते डाल देंगे इसमें, 2 से 3 लौंग डाल देंगे और हिबिस्कस को तोड़ के इसके लीव्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर्स के ये पत्ते अलग कर दिए हैं और इस डंडी को मैंने अलग कर दिया है, इसको नहीं डालना है और केवल पत्तों को डालना है। तो चलिए पहले पत्ते डाल देते हैं। तो हिबिस्कस लीव्स ये डाल देंगे, 1 चम्मच जो मैंने राइस निकाला था उसको भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे राइस भी डाल दिया है और आप गैस को सिम रखेंगे। आप गैस को मीडियम या हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सारा पानी आपका जल जाएगा और अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। पानी का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और लेकिन अभी राइस अच्छे से कुक नहीं हुए हैं। जब आपको लगे कि राइस अच्छे से कुक हो चुके हैं फिर आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। तो अभी बनने में थोड़ा टाइम है, आपको इसको बनाने में 5 से 8 मिनट का टाइम लगेगा लगभग। और जब भी ये सीरम आप प्रिपेयर करें आप फ्रेश ही प्रिपेयर करें। आप ऐसा नहीं करें कि आपने रख दिया है और वो फ्रिज में 8 दिन तक रखा ही रहा है, ऐसा नहीं कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आप इसको 4-5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो राइस कुक होने लगा है जैसा कि आप देख सकते हैं और ये करी पत्ते का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको अभी मैं 1 से 2 मिनट और इसको अभी अच्छे से कुक करूँगी, उसके बाद मैं इस गैस के फ्लेम को ऑफ़ करूँगी। मैं जब भी ये सीरम बनाती हूँ मैं इसको फ्रेश ही बनाती हूँ, कभी भी मैं इसको स्टोर करके नहीं रखती हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो आप इसको फ्रेश बनाइए, आप स्टोर करके मत रखिए। तो सीरम बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं राइस भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसको छान लेती हूँ और पानी की क्वांटिटी भी हाफ हो गई है। तो सीरम बन के रेडी हो गया है आप देख सकते हैं और ये मेरे बालों के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं तो आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून ऑलिव ऑयल लिया है और अब मैं इसको इस वाटर में मिक्स करूँगी अच्छे से। वैसे तो ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है फिर आप इसको या तो स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, नहीं तो आप कॉटन के बॉल से भी आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो हिबिस्कस सीरम बन के रेडी हो गया है और आप इसे कॉटन के बॉल से या फिर स्प्रे बॉटल से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो आप बालों को ये छोटे छोटे ऐसे लेके जैसे आप बीच से ऐसे मांग निकाल लेंगे और आप कॉटन के बॉल्स में थोड़ा सा ऐसे लगा के
पहले आप इस सीरम को अपने रूट्स पे स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लेंथ पे अप्लाई करेंगे, तो जिससे आपके बालों में काफ़ी अच्छी शाइन भी आएगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। जब आपको लगे कि बालों में अच्छे से सीरम लग चुका है, उसके बाद आप अपने बालों को फोल्ड करके या तो क्लेचर लगा लीजिए, नहीं रबर बैंड लगा लीजिए, उसके बाद आप इसको ओवरनाइट रखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू करेंगे अपने बालों में। फिर आपको एक मैजिक जैसा फील आएगा बालों में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बाल हो जाएंगे आपके। वीक में 2 से 3 बार अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।